क्वेश्चन से हमारा फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करो सच दैट ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आप लोगों को दिया हुआ है, इज रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म, ये मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो एंड ऑल्सो फाइंड इट्स रैंक एंड सॉरी ऑल्सो फाइंड इट्स रैंक। ओके, मतलब यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या करने का है, रैंक भी फाइंड आउट करने का है और पी एंड क्यू का वैल्यू भी फाइंड आउट करने का है। रैंक भी कैलकुलेट करो एंड पी एंड क्यू का वैल्यू भी फाइंड आउट करो। ओके, सबसे पहले इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है? ओके, कैपिटल ए इक्वल टू आई एम ए आई एन। ओके, अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, कैपिटल यहाँ पे आगे लिख के लेता हूं, कैपिटल ए इक्वल टू आई एम मतलब नंबर ऑफ रो। यहाँ पे कितना रो है आपके पास? यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है? 3। कैपिटल ए आई एन, एन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम होता है। मेरे पास कितना कॉलम है यहाँ पे? नंबर ऑफ कॉलम कितना है मेरे पास? यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम है आपके पास 4 है। नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 4 है। तो यहाँ पे आएगा 4 आएगा। ये फॉर्मूला बन गया मेरे ये एग्जांपल के लिए। देखो एम, एम मतलब नंबर ऑफ रो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। एन मतलब नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल ए, एल एच एस का कैपिटल ए मतलब हमारा एग्जाम्पल। क्या है हमारा एग्जाम्पल? 1 2 3 2 2 3 5 1 1 3 4 5 इक्वल टू आई थ्री। आई थ्री का मतलब क्या होते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3×3 ऑर्डर, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कैपिटल ए सेम एज इट इज। अभी यहाँ पे देखो आई फोर, आई फोर मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद 4×4 ऑर्डर, मतलब 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। आई थ्री मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद 3×3 ऑर्डर, आई फोर मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद 4×4 ऑर्डर। ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। ओके, चलो अभी प्रोसीजर एक बार आप लोगों को बता देता हूँ क्या करने का है। मुझे प्रोसीजर में क्या करने का है, ये फर्स्ट एलिमेंट मेरा 1 होना चाहिए और उसके नीचे वाले 0 बनाओ, उसके बाजू वाले 0 बनाओ। ओके, ये मेरा पहला पार्ट है। पहला पार्ट क्या है मेरा? मेरा फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। ऑलरेडी वहां पे 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके नीचे वाले एलिमेंट 0 बनाओ बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाजू वाले एलिमेंट 0 बनाओ बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। बट जब मैं यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा तो फर्स्ट मैट्रिक्स को चेंज करो, जब मैं यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा तो सेकेंड मैट्रिक्स को चेंज करने का। बस इतना याद रखने का है। अगर आप लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट वाले को चेंज करो, अगर आप लोग यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो तो सेकेंड वाले को चेंज करो। ओके, वही करने का है। अभी हम लोग करेंगे लास्ट स्टेप। देखो यहाँ पे 1 ऑलरेडी मेरे पास है, अभी ये 2 और 1 0 होना चाहिए। 2 और 1 कैसे 0 होगा? 1 के नीचे वाले हम लोग 0 बना रहे तो रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा। ये 2 की जगह पे मुझे 0 चाहिए तो ये 2 चेंज होने वाला है, तो ये कौन सा रो है? R2। 1 के साथ यहाँ पे कंपेरिजन होगा, ये दोनों का कंपेरिजन होगा, दोनों का साइन सेम है, सेम है मतलब माइनस। ये 1 की जगह पे अगर 2 आता है तो 2 - 2 0 होगा, तो ये 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे R1। ओके, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको ये 2 की जगह पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये 1 की जगह पे भी 0 चाहिए और यहाँ पे भी 1 है, 1 - 1 करोगे मतलब R3 - R1 करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे 0 मिल जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट क्या रहेगा नीचे, देखो R2 और R3 चेंज होने वाला है। जो आप लोग फर्स्ट लिखते हो वही चेंज होता है, बाकी के कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ पे R1 सेम एज इट इज, 1 2 3 2 जो पहले फिक्स है ना उसको लिख के ले लेते। यहाँ पे भी रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं तो ये फर्स्ट वाला चेंज होता है, सेकेंड वाला सेम एज इट इज रहेगा, लेकिन फर्स्ट वाले में भी सिर्फ R2 और R3 चेंज होगा, R1 आपका सेम एज इट इज रहेगा कैपिटल ए, और ये सेकेंड वाला चेंज ही नहीं होगा।
क्योंकि ये सेकेंड वाला कब चेंज होता है, जब आप लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, वो सेम एज इट इज 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1. ओके ही, चलो अभी यहाँ पे R2 - 2R1 R3 - R1 से हम लोगों को ये दो रो फिल इन द ब्लैंक्स जो हम लोगों ने छोड़ा है उसको फिलअप करते हैं। R2 का फर्स्ट वैल्यू क्या है 2 - 2, R1 उसका करस्पॉन्डिंग R1 क्या है 1, तो यहाँ पे 0 मिलेगा। R2 का नेक्स्ट वैल्यू क्या है 3 - 2, उसका करस्पॉन्डिंग R1 वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका -1 आएगा। ओके नेक्स्ट R2 का नेक्स्ट वैल्यू है 5 -2 उसका करस्पॉन्डिंग R1 वैल्यू है 3, तो यहाँ पे भी 5 - 6 मतलब -1 आएगा। R2 का नेक्स्ट वैल्यू है 1 - 2 R1 है आपका 2, तो यहाँ पे बनेगा -3। ओके चलो यहाँ पे चलो R2 का नेक्स्ट वैल्यू है 0 - 2 और उसका करस्पॉन्डिंग R1 है 1, तो यहाँ पे आएगा -2। ये फॉर्मूला पूरे R2 के लिए अप्लाई करने का, यहाँ पे R2 का वैल्यू है 1 - 2 और उसका करस्पॉन्डिंग R1 वैल्यू है 0, ओके तो यहाँ पे आएगा 1। नेक्स्ट R2 का वैल्यू है 0 - 2 और उसका करस्पॉन्डिंग R1 वैल्यू है 0, तो यहाँ पे आएगा 0। R2 - 2 R1 अप्लाई करके, ये फॉर्मूला अप्लाई करके मुझे ये सब कैलकुलेशन यहाँ पे नया मिल गया। ओके अभी हम लोग R3 का कैलकुलेशन करेंगे। ओके अभी R3 - R1 देखो 1 - 1 0, R3 - R1 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 2 3, 0 - 1 - 1, 0 - 0 0, 1 - 0 1 हो गया मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके मुझे ये सेकेंड वाला स्टेप भी क्लियर हो गया। चलो यहाँ पे मुझे 1 चाहिए था, उसके नीचे वाले दो वैल्यू तो मुझे 0 मिल गए, अभी उसके बाजू वाले ये बाजू वाले एलिमेंट मुझे 0 करने का है। ये एलिमेंट कैसे 0 होगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से 0 होगा। ओके तो वो कैसे करेंगे, वो देखो यहाँ पे ये 2 की जगह पे मुझे 0 चाहिए, तो ये 2 आपका C2 में है और इसके साथ कंपैरिजन होगा, दोनों का साइन सेम है, साइन सेम रहेगा तो माइनस, ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो। ओके ये 2 को 0 बनाने के लिए ये फॉर्मूला। चलो अभी 3 के लिए क्या करेंगे, 3 की जगह पे मुझे 0 चाहिए। ओके तो ये चेंज होने वाला है, तो ये C3 है, इसका कंपैरिजन 1 के साथ होगा, अगेन दोनों का साइन सेम है तो माइनस। ओके लेकिन यहाँ पे जब 3 आएगा तो 3 - 3 0 बनेगा, तो इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट 2 की जगह पे 0 आना चाहिए, तो ये 2 कौन से रो में है, C4, 2 को हम लोग 1 के साथ कंपेयर करेंगे, दोनों का साइन क्या है सेम है तो माइनस, लेकिन यहाँ पे 2 आना चाहिए तभी 0 होगा, तो 2C1। ओके ये हो गया मेरा फॉर्मूला। चलो अभी इसमें क्या करेंगे, C2 C3 C4 चेंज होने वाला है, C1 को कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, पहले जो फिक्स है ना वो लिख के लेते हैं। इक्वल टू, ये पूरा मैट्रिक्स सेम रहेगा क्योंकि वो रो के लिए है, 1 0 0 - 2 1 0 - 1 0 1। ओके कैपिटल ए इक्वल टू, अभी यहाँ पे हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सेकेंड वाला चेंज होगा, लेकिन सेकेंड वाले में C2 C3 C4 चेंज होगा, C1 वैसे ही रहेगा। देखो ये फॉर्मेट तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख के ले लिया, जो चेंज नहीं होने वाले वो तो लिख के यहाँ पे ले लिया। चलो अभी जो रिमेनिंग है उसको कैलकुलेट करेंगे, पहले मैं C2 - 2 C1 को कैलकुलेट करता हूँ। चलो यहाँ से स्टार्ट करो, C2 का फर्स्ट वैल्यू है 2 - 2, उसका करस्पॉन्डिंग C1 वैल्यू है 0, तो यहाँ पे 0 आया। ओके मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है नॉर्मल फॉर्म में। ओके अगर ये वैल्यू कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा होगा, अगर ये वैल्यू आपका 0 होता है तो उसके नीचे वाले एलिमेंट सेम एज इट इज रहेंगे, उसको कुछ भी नहीं करने का है, वो सेम ही आंसर आता है उनका। देखो चेक करके, यहाँ पे -1 और 1 ही आएगा, देखो चेक करके, C2 क्या है -1 - 2, देखो C2 का वैल्यू नेक्स्ट है -1 - 2,
और उसका सी वन करस्पॉन्डिंग सी वन कितना है जीरो, इसको सॉल्व करो माइनस वन ही मिलेगा। सी टू का नेक्स्ट वैल्यू क्या है वन माइनस टू, ओके सी वन का वैल्यू क्या है जीरो, देखो वन ही मिलेगा ओके ऐसे याद रखो। इसमें लेकिन पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप लोगों को, सिर्फ LHS में ऐसा होगा। अगर देखो अभी नेक्स्ट यहाँ पे थ्री को थ्री की जगह पे यहाँ पे जीरो आएगा, लेकिन ये दोनों सेम एज इट इज रहेंगे, उनको कैलकुलेट ही मत करो ओके, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा ओके। चलो C2 टू माइनस टू सी वन का यहाँ पे कैलकुलेशन करो, C2 का वैल्यू है जीरो माइनस टू इंटू सी वन, मतलब यहाँ पे आएगा आपका माइनस टू। C2 का नेक्स्ट वैल्यू है वन, वन माइनस टू इंटू सी वन, मतलब वन मिलेगा। ये दोनों जीरो है तो जीरो आएगा, ये दोनों भी जीरो है तो जीरो मिलेगा, मतलब मेरा C2 का कैलकुलेशन पूरा क्लियर हो गया। ओके अभी सी थ्री माइनस थ्री सी वन, ओके सी थ्री माइनस थ्री सी वन, चलो बताओ सी थ्री का वैल्यू कितना है थ्री माइनस थ्री, और उसका करस्पॉन्डिंग सी वन कितना है वन, ये जीरो मिला। ये रिमेनिंग सेम एज इट इज लिख दो, इसको कुछ भी मतलब सॉल्व मत करो, वो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करो। अभी सी थ्री का वैल्यू क्या है यहाँ पे जीरो माइनस थ्री, उसका करस्पॉन्डिंग सी वन कितना है वन, तो यहाँ पे आएगा माइनस थ्री। सी थ्री का नेक्स्ट वैल्यू है जीरो माइनस थ्री, उसका करस्पॉन्डिंग सी वन है जीरो, तो यहाँ पे जीरो मिलेगा। सी थ्री का नेक्स्ट वैल्यू है वन, तो यहाँ पे वन आएगा, वन माइनस थ्री इंटू सी वन, मतलब वन ही रहेगा। ये भी जीरो है और सी वन भी जीरो है, मतलब ये जीरो बनेगा। मेरा सी थ्री का भी कैलकुलेशन क्लियर हो गया। अभी सी फोर के लिए, सी फोर माइनस टू सी वन, सी फोर का फर्स्ट वैल्यू है टू माइनस टू, और उसका करस्पॉन्डिंग सी वन है वन, तो ये जीरो हो जीरो बन जाएगा। ये माइनस थ्री थ्री सेम रहेगा, इसको सॉल्व मत करो, वो ऐसे आ जाएगा, सॉल्व करके भी वही मिलने वाला है। चलो यहाँ पे हम लोग सी फोर और सी वन करते हैं। सी फोर है मेरा जीरो माइनस टू इंटू सी वन, मतलब ये माइनस टू आ जाएगा। सी फोर भी जीरो है, सी वन भी जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। सी फोर भी जीरो है, सी वन भी जीरो है, तो ये जीरो बनेगा। सी फोर वन है माइनस टू इंटू सी वन, तो यहाँ पे वन आएगा। ये हो गया मेरा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके आंसर। ओके चलो अभी नेक्स्ट इसमें जाएंगे। नेक्स्ट इसमें स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा केयरफुली देखो। माइनस वन वन, माइनस वन वन, माइनस थ्री थ्री, अगर मैं ये दोनों को ऐड करूंगा ना ऐड, तो एक रो पूरा टोटल जीरो हो जाता है। मतलब क्या करता हूं देखो, मैं यहाँ पे आर थ्री प्लस आर टू करता हूं, तो मेरा एक रो कम्प्लीटली आर थ्री वाला जीरो हो जाएगा। ओके यहाँ पे पहले कौन लिखा है, आप लोगों ने आर थ्री लिखा है, तो आर थ्री चेंज होगा, मतलब आर वन एंड आर टू को ना, आर टू को माइनस आर टू करेंगे ना, तो ये माइनस साइन भी क्लियर हो जाएगा। मतलब जीरो को कोई साइन नहीं है, वन वन थ्री हो जाएगा। और आर थ्री प्लस आर टू, आर थ्री वन है प्लस आर टू, मतलब वन प्लस माइनस वन, ये जीरो, ये दोनों तो ऑलरेडी जीरो है। वन प्लस माइनस वन, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आर थ्री कितना है वन प्लस आर टू कितना है उसका माइनस वन, तो इसका आंसर जीरो मिलेगा। यहाँ पे भी थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री, सॉरी ओके, आर थ्री का वैल्यू है थ्री प्लस, और यहाँ पे माइनस थ्री आर टू का वैल्यू, तो इसका आंसर भी आप लोगों को जीरो मिल जाएगा। इक्वल टू मैं यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूं, तो मेरा फर्स्ट वाला चेंज हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे R3 और R2 चेंज होता है, मतलब R1 को हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, और कैपिटल A ये तो सेम रहेगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस टू, जीरो वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। ओके तो यहाँ पे चेंज होने वाला है आपका, यहाँ पे चेंज करेंगे हम लोग R3 थ्री प्लस आर टू, आर थ्री प्लस आर टू माइनस वन प्लस माइनस टू, मतलब यहाँ पे माइनस थ्री आएगा। R3 प्लस आर टू मतलब जीरो प्लस वन,
सॉरी आर थ्री चेंज होगा ना, तो यहाँ पे आएगा माइनस थ्री। नेक्स्ट आर थ्री प्लस आर टू, आर थ्री प्लस आर टू जीरो प्लस वन वन आएगा, और आर थ्री प्लस आर टू वन प्लस जीरो वन आएगा। माइनस आर टू, आर टू को माइनस से मल्टीप्लाई करो टू माइनस वन जीरो, ये हो गया आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके। ओके देखो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन मिल गया आपको, उसके नीचे वाला तो ऑलरेडी जीरो ही बन गया, तो इसके बाजू वाले को जीरो बनाओ। तो बाजू वाला कैसे जीरो बनेगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके जीरो मिलेगा। ओके तो ये वन, ये वन, ये वन की जगह पे मुझे जीरो चाहिए। ओके लेकिन इसका कंपैरिजन इसके साथ होगा, तो यहाँ पे सिंपल सी थ्री माइनस सी टू करो, वन माइनस वन जीरो मिल जाएगा। और ये थ्री की जगह पे भी जीरो चाहिए, तो थ्री आपका कॉलम फोर में है, इसका कंपैरिजन इसके साथ होगा, ये वन के साथ, तो माइनस थ्री सी टू बनेगा आपका। ओके ये फॉर्मूला होगा। तो मुझे ये बताओ, हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं और सी थ्री सी फोर चेंज होने वाला है, मतलब सी वन सेम, सी टू भी सेम, सी थ्री सी फोर चेंज होने वाला है। ये पहला वाला तो रो के लिए होता है, तो वो चेंज नहीं होगा, वो सेम एज इट इज रहेगा। माइनस थ्री वन वन कैपिटल ए, और इसमें सी वन और सी टू सेम, वन जीरो 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 माइनस टू वन जीरो जीरो, फॉर्मेट हम लोगों ने जो चेंज नहीं होने वाले हैं वो तो लिख के ले लिया। चलो अभी सी थ्री और सी फोर को चेंज करेंगे। सी थ्री माइनस सी टू, सी थ्री माइनस सी टू जीरो माइनस जीरो जीरो, वन माइनस वन जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो। ओके यहाँ पे भी करो माइनस थ्री, देखो बराबर से माइनस थ्री माइनस माइनस टू, तो यहाँ पे माइनस वन आएगा। जीरो माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन आएगा। वन माइनस जीरो वन, जीरो माइनस जीरो जीरो। सी थ्री का कैलकुलेशन हो गया, अभी सी फोर के पास जाएंगे। सी फोर और सी टू का कैलकुलेशन, सी फोर और सी टू का, तो दोनों जीरो है। अभी यहाँ पे सी फोर का, सी फोर माइनस थ्री सी टू, सी फोर का नेक्स्ट वैल्यू है थ्री माइनस थ्री, सी टू का करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वन, तो ये भी क्या बनेगा आपका जीरो। सी फोर भी जीरो है और यहाँ पे सी टू भी जीरो है, तो ये भी जीरो बन जाएगा। ओके यहाँ पे कैलकुलेशन करो, सी फोर का वैल्यू है माइनस टू माइनस थ्री, और उसका करस्पॉन्डिंग सी टू है माइनस टू, तो यहाँ पे सिक्स, सिक्स माइनस टू यहाँ पे आएगा आपका फोर। सी फोर माइनस सी टू, तो सी फोर का नेक्स्ट वैल्यू है जीरो माइनस थ्री, और उसका सी टू है वन, तो यहाँ पे आएगा माइनस थ्री। नेक्स्ट जीरो, सी फोर जीरो है सी टू जीरो है, तो ये जीरो बनेगा। सी फोर वन है और सी टू जीरो है, तो पहले सी फोर तो ये वन आएगा। ओके मतलब ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके मुझे ये मैट्रिक्स मिल गया। ओके चलो अभी देखो, अभी अभी इसके आगे तो कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये वन मिल गया उसके आजू बाजू वाले जीरो हो गए, ये वन मिल गया उसके आजू बाजू वाले जीरो हो गए, अभी कुछ भी बाकी ही नहीं है। LHS में एक भी एलिमेंट बाकी नहीं है। ओके डायगोनल में जितना वन ला सकते हैं हम लोग उतना वन लाया, रिमेनिंग एलिमेंट पूरा जीरो हो गया। ओके तो हमारा एग्जांपल यहाँ पे खत्म हो गया। ओके तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हियर लास्ट आंसर, हियर P इक्वल टू, P मतलब क्या होता है ये फर्स्ट वाला, वन जीरो जीरो टू माइनस वन जीरो माइनस थ्री वन वन, ये आपका P बन गया। और Q इक्वल टू, ये आपका Q बनेगा, वन माइनस टू माइनस वन फोर, जीरो वन माइनस थ्री जीरो जीरो वन जीरो 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 वन। मुझे पीक चाहिए था, Q चाहिए था और रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी चाहिए था, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ नॉन जीरो, नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑन LHS। ओके LHS में देखो, LHS में मतलब ये, इसमें नॉन जीरो रो कितना है, वन और टू, लास्ट वाला पूरा जीरो हो गया, सिर्फ एक यहाँ पे एक वैल्यू रिमेनिंग है, यहाँ पे एक वैल्यू रिमेनिंग है, तो वन और टू दो रो यहाँ पे नॉन जीरो है, इसलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या मिला आप लोगों को, टू मिल गया। इसको हम लोग आर से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके
ये हो गया मेरा कंप्लीट क्वेश्चंस क्लियर।